चुन्नी रखी, ये वाली चुन्नी रखी, हाँ। नारियल रखा, नारियल रखा, कहाँ है दूसरी चुन्नी, एक ही तो है इसमें। ठीक है, एक ही कर दो और एक डजन केले कर देना। इज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। माई फेस लुक्स वेरी वेरी पफी, आई स्लेप्ट वेरी वेरी वेल लास्ट नाइट, आई वॉज सो टायर्ड लास्ट नाइट। कल हम लोग चांदनी चौक गए थे मम्मी की करवा चौथ शॉपिंग के लिए, उसका व्लॉग अभी तक आ गया होगा, तो आई लिंक इट इन द आई बटन। एंड वी शॉप्ड अ लॉट यस्टरडे एंड वी वॉक्ड सो मच। दिल्ली की मार्केट्स में चलने में तो बिल्कुल पैरों की बैंड बज जाती है, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। एंड देन आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग यस्टरडे। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और आज है पहले नवरात्रि, सो वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि टू यू एंड योर फैमिली फ्रॉम मी एंड माई फैमिली। आई होप सबकी नवरात्रि अच्छे से जा रही हो। अभी इस साल तो नवरात्रि में हमारा बिल्कुल अलग ही सीन हो गया। माई मॉम गॉट हर पीरियड्स एंड इवन आई एम ड्यू विद माई पीरियड्स, बट आई एम लेट ऑन माई पीरियड्स दिस टाइम। तो कल हमने कोई भी शॉपिंग नहीं करी नवरात्रि के लिए, बिकॉज वी वर नॉट श्योर इफ आई विल बी एबल टू डू द पूजा और नॉट। तो अभी बिकॉज आई एम ऑल फाइन, तो अभी मैं पूजा करूँगी नवरात्रि की। सो अभी आई जस्ट टेक अ बाथ एंड आई हैव टू गो डाउन एंड गेट ऑल द पूजा स्टफ, क्योंकि अभी तक हम कुछ भी नहीं लेके आए हैं। सो दैट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन टुडे। अभी आई जस्ट गो टेक अ बाथ एंड देन विल गो शॉपिंग फॉर नवरात्रि पूजा। ऑल फ्रेश एंड रेडी टू गो। अभी आउटफिट के लिए मैंने ये येलो कलर का काफ्तान पहना है, नीचे मैंने ब्लैक जीन्स पहनी है। मे बी आगे दिन में मैं चेंज कर लूँगी इंटू अ मोर एथनिक आउटफिट, बट अभी क्योंकि मुझे शॉपिंग जाना है एंड देन मुझे मंदिर की सफाई करनी है, सो फॉर दैट दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल एंड यू नो इजी ब्रीजी आउटफिट। लेट्स गो शॉपिंग। मैंने अपना वॉलेट ले लिया है एंड आई हैव टेकन द लिस्ट जो मम्मी ने बना के दी है एंड नाउ वी विल गो टू शॉप एंड आई होप आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग, बिकॉज अभी दिमाग में जितनी चीज़ें आई उतनी तो लिस्ट में लिख ली है। अभी पता नहीं, अभी पता चला वापस आके मालूम पड़ रहा है कि कुछ भूल गए। आई एम एनी वेज वेरी वेरी लेट फॉर द नवरात्रि पूजा, क्योंकि जब मेरी मम्मी पूजा करती थी तो इस टाइम तक तो पूजा होके नाश्ता यू नो फ्रूट्स एंड एवरीथिंग होके हम लोग बैठ गए होते थे, एंड टुडे इतनी लेट हो गई है और मैं अभी जाके नहा के निकली हूँ। आई वॉज वेरी वेरी टायर्ड यस्टरडे, मेरी तो सुबह बिल्कुल आँख नहीं खुल रही थी, उठने की हिम्मत नहीं थी, जैसे तैसे करके मैं 8 बजे उठी हूँ। आई जस्ट होप एवरीथिंग गोज वेल। आई होप यू गाइज आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग योर नवरात्रि इज रियली रियली वेल एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो वट ऑल यू डू फॉर योर नवरात्रि। और माता की चुन्नी के आपके पास कौन कौन सी माता की चुन्नी है? माता की है, माता की दिखाओ, एक ये दे दो। लॉन्ग इलायची वगैरह, हाँ तो एक लॉन्ग का पैकेट, एक इलायची का पैकेट और नहीं है इलायची, चलो वो मैं, चलो कोई नहीं, आप लॉन्ग दे दो और सुपारी है। क्या देखो, चुन्नी रखी, ये वाली चुन्नी रखी, हाँ। नारियल रखा, नारियल रखा, कहाँ है दूसरी चुन्नी, एक ही तो है इसमें। नारियल लॉन्ग लॉन्ग और सुपारी रख दी ना, आम की, आम की टहनी रख दो एक, हाँ। अब मुझे फूल दे देना, एक माला रख दो और थोड़े खुले फूल रख देना। इतना बड़ा बहुत है, है हाँ। अभी खाने के लिए ठीक है, ये ये वाला नहीं सही है, देखो पका हुआ लग रहा है। तो दे 20 रुपए सही है, ये ठीक है, एक ये कर दो और एक डजन केले कर देना। धीरे धीरे तो त्योहारों की सारी रौनक ही खत्म हो गई है, क्यों नीचे जैसे जब हम नवरात्रि में नीचे शॉपिंग के लिए जाते थे ना, तो कितने सारे वो जो मतलब लोग नहीं अपना वो लगा के रहते हैं जिसमें से हम सामान खरीदते हैं, कितने सारे होते थे ना पहले से, अभी 2 ही लगे हैं बस। और वो भी 2 लोगों ने जैसे पहले से तो कितना उससे लगाते थे, इतने सारे फूल माला लटका के और इतने अच्छे से सजा सजू के पूरा ऐसे अच्छे से ठेला या फिर दुकान जैसे बना के लगाते थे, आज तो 2 लोगों ने नीचे बस चटाई बिछाई है और उसमें थोड़े से फूल और सुपारी इलायची यही छोटी मोटी चीजें करके और वैसे ही बेच रहे हैं, मतलब कुछ वो लग ही नहीं रहा नीचे जाके कि नवरात्रि भी है।
हो गई है। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ जिसके लिए मैं बहुत बहुत एक्साइटेड थी। सो आई गॉट माई फर्स्ट पीस ऑफ ज्वेलरी, नो आई वॉन्ट से द फर्स्ट पीस बिकॉज जब मैं छोटी थी तब भी आई हैड वो गोल्ड के जो इयर रिंग्स होते हैं ना, उसके बाद मैंने एक और गोल्ड के इयर रिंग्स लिए थे, बट देन आई गॉट दिस फ्रॉम ब्लू स्टोन। ये मेरा लेट बर्थडे गिफ्ट है, तो मेरे बर्थडे पे मेरी मम्मी ने मुझे पैसे दे दिए थे एंड इट kept getting delayed। आई wanted अ गोल्ड चेन एंड फाइनली मैंने जाके अभी वो ली, बट फिर उसके बाद श्राद्ध शुरू हो गए थे, तो श्राद्ध में नई चीज़ नहीं यूज़ करते हैं एंड ऑल दैट थिंग। तो मम्मी ने बोला था कि नवरात्रि के पहले दिन तो उसे पहनना, तो मैंने रखे हुए थे। सो आई विल जस्ट शो यू हाउ इट लुक्स। सो ये इसका बॉक्स है, तो सुंदर रोज गोल्ड कलर का बॉक्स है एंड दिस इज़ द चेन। सो आई गॉट दिस चेन एंड दिस पेंडेंट, दिस इज़ अ सन, इफ यू कैन सी इट इज़ अ ब्यूटिफुल सन। तो इसमें डायमंड लगे हुए हैं। सो ये आई थिंक 20 कैरेट्स में था एंड द चेन इज इन 22 कैरेट्स एंड आई एब्सोल्यूटली लव इट। मुझे बहुत टाइम से ये चेन लेनी थी, इट वॉज लॉन्ग ड्यू एंड फाइनली आई गॉट इट अबाउट आई थिंक लास्ट मंथ आई गॉट इट, बट वही श्राद्ध के रीजन की वजह से मैंने इसे अभी तक पहना नहीं था एंड फाइनली टुडे आई विल वियर इट एंड आई एम सुपर एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम, क्योंकि मेरी मम्मी और भाई ने मुझे बिल्कुल डरा दिया है कि तू इसे खो देगी। तो मुझे बहुत डर लग रहा है इसे पहनने में, बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एट द सेम टाइम बिकॉज इसका डिज़ाइन एग्जैक्टली वैसा है जैसा मुझे चाहिए था एंड आई लव इट। चेन लगाना बहुत मुश्किल लगता है मुझे, आगे चलते लगाती। A few moments later. I think we need mommy's help for this. मम्मी मुझसे लगी नहीं रही, इसे लगा दो। लग गई? हाँ? कैसे लग रहा है? कानक ला पहला का। कैसे लग रहा है? कितने सुंदर है ना? This is what the chain looks like. It is a beautiful and dainty chain. I didn't want that thick chains. मुझे वो मोटी मोटी वाली चेन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। Although मेरी फैमिली में सबको ये लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा तूने पतली चेन ले रही है, मेरी मम्मी कह रही थी तो नकली लग रही है, ऐसा लग रहा है तूने आर्टिफिशियल चेन ले ली है। बट आई वॉन्टेड दिस डेंटी चेन एंड दिस पेंडेंट, इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। एंड ये मैंने इयर रिंग्स कुछ टाइम पहले लिए थे, ये भी गोल्ड के हैं। सो इसमें भी डायमंड लगा हुआ है, सिर्फ शेप अलग है, ये सन है और ये हार्ट शेप में है, बट अदर देन दैट द डिज़ाइन एंड द वर्क इज वेरी वेरी सिमिलर। सो मैं इसे पहन लेती हूँ एंड इट फील्स लाइक अ सेट नाउ। आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। आप मुझे कॉमेंट्स में बताना आपको मेरी चेन कैसी लगी, डिड यू लाइक द डिज़ाइन और नॉट। कॉन्ग्रेचुलेट मी, फाइनली आई गॉट माई बर्थडे गिफ्ट एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। देखो मैंने ये दोनों साथ में पहन लिए, सेट लग रहा है, मस्त है ना? अब अगला क्या दिला रही हूँ? लाओ मुझे कुछ खाने को दे दो, ऐसा करो मुझे एक कटोरी में ड्राई फ्रूट्स दे दो और मुझे पपीता दे दो, केले मत देना। ओके सो गाइस, अभी तो मैं सो गई थी, मेरी आंख लग गई थी, मेरा ना बीपी ड्रॉप होने लग गया है। आई एम फास्टिंग टुडे एंड मेरा ऐसे ही होता है, मतलब मेरा तो बीपी का कुछ पता ही नहीं है। अभी 22 साल की उम्र में ही मेरे बीपी की इतनी प्रॉब्लम होने लग गई है, पता नहीं आगे जाके तो क्या ही होने वाला है। तो मेरा ना बीपी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, तो अगर आप लोग मुझे जानते हो तो आपको पता होगा एवरी मॉर्निंग आई ड्रिंक कॉफ़ी एंड दैट इज हाउ आई सर्वाइव। लोग दवाइयों पर जिंदा रहते हैं, मैं कॉफ़ी पर जिंदा हूँ। अभी मुझे ऐसे लग रहा है ना कि मैं मरने वाली हूँ, मुझे इतनी नींद आ रही है, मेरी आँख ही नहीं खुल रही है एंड आई एम फीलिंग सो लेजी, मेरे बिल्कुल कुछ काम करने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। बट आई डोंट वांट वेस्ट द डे, अच्छी खासी धूप निकली हुई है तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़े बहुत यूट्यूब शॉर्ट्स तो फिल्म कर ही लेती हूँ। एंटायर वीडियो का तो अभी पता नहीं बिकॉज आई एम व्लॉगिंग, आई एम गेटिंग यूज टू व्लॉगिंग, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ टू पुट अप मोर व्लॉग्स, क्योंकि वो कॉन्टेंट है जो आप लोगों को पसंद आता है, तो मैं व्लॉग करने की कोशिश कर रही हूँ। और जो प्रॉपर लाइक सिट डाउन वीडियोज़ होती हैं, मेरे दिमाग में कुछ प्लान्स है बट उसके लिए मुझे ना सेटअप करना है, तो अभी उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सो क्यों मैंने सोचा क्यों ना एटलीस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स से फिल्म कर लूँ, और मेरे कुछ पीआर भी पड़े हुए हैं तो मुझे उसकी भी वीडियो बनानी है। सो या विल डू दैट। अभी मैं यहाँ पे अपना कैमरा वैमरा सेटअप करती हूँ एंड विल मेक सम यूट्यूब शॉर्ट्स।
इतनी मुश्किल से ये बैकड्रॉप का जुगाड़ हुआ है. मैं पहले ट्राई कर रही थी, आई वॉज यूजिंग अ वूल, उसके हेल्प से मैं ये ऐसे इनको हैंग करने की ट्राई कर रही थी, बट बिकॉज वूल बहुत ज़्यादा पतला होता है उसमें उतना ज़्यादा वेट लेने की कैपेसिटी नहीं थी, तो वो ना गिर गया पूरा मेरा बैकड्रॉप नीचे. उसके बाद मैं रोने लग गई थी. उसके बाद आई वॉज जस्ट प्लानिंग टू डिस्कार्ड द शूट, बिकॉज मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सेटअप करूँ. ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर मुझे कोई बैकड्रॉप बनाना होता है ना, तो मुझे समझ भी नहीं आता है कि मैं अपने रूम में कहाँ पे कैसे वो बैकड्रॉप सेट करूँ. फिर मेरी मम्मी ने मेरी हेल्प करी, उन्होंने कुछ ये मोटा धागा था ये पूरे रूम के अक्रॉस इधर से लेके उधर तक बांध दिया है पूरे रूम पे. फिर इस पर मैंने हैंग किया, अभी पता नहीं है कितनी देर अटकेगा. बेंड हो गया इधर से क्योंकि वेट है ना, तो ये बेंड हो गया, तो अभी देखती हूँ जितनी देर ये अटकता है ना उतनी देर में मैं ट्राई करती हूँ शूट कंप्लीट करने का. समथिंग वेरी वियर्ड हैज बीन हैपनिंग विद मी लेटली. मैंने जैसे तैसे पूरा सेटअप किया एंड द लुक दैट आई एम प्लानिंग टू शूट, मैंने उसके लिए प्रोडक्ट्स भी निकाल के रख लिए, बट आई डोंट नो वॉट इट इज़, जस्ट अ फीलिंग फ्रॉम इनसाइड दैट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम वर्क. मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं शूट करूँ. आई जस्ट फील लाइक क्राइंग, इवन माई हैंड्स आर शेकिंग. आई डोंट नो वॉट इज हैपनिंग, आई एम फीलिंग वेरी वेरी वियर्ड एंड आई डोंट नो वॉट इट इज, आई डोंट नो, बट आई जस्ट वॉन्ट टू शूट एंड आई एम नॉट फीलिंग लाइक इट. बट आई सम बिकॉज नाउ लाइक इतना मेहनत करके हमने बैकड्रॉप वगैरह बनाया है, तो आई प्रॉबली ट्राई टू शूट जितना भी मुझसे हो पाए एंड देन मैं ये सफाई कर दूंगी, बिकॉज फिर मेरा ऑफिस भी स्टार्ट हो जाएगा. मेनी आवर्स लेटर, सो फाइनली समहाउ आई मैनेज टू फिनिश दिस शूट एंड आई शॉट टू यूट्यूब शॉर्ट्स, उससे ज़्यादा मुझसे हो नहीं पाया एंड माई आईज आर पेनिंग एंड आई एम फीलिंग काइंड ऑफ फीवरिश. अभी मुझे ऐसा लग रहा है शायद मेरी तबीयत खराब होने वाली है इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है, बट आई एम फीलिंग वेरी वेरी वियर्ड एज आई मैंशनड. बट दो यूट्यूब शॉर्ट्स तो मैंने फिल्म कर लिया और अभी मेरा ऑफिस ज्वाइन करने का टाइम हो गया, सो आई एम जस्ट लॉगिंग इन योर एंड अगर मुझे बीच में थोड़ा टाइम मिला तो मैं अभी ये सेटअप हटा नहीं रही हूँ. अगर मुझे बीच में थोड़ा टाइम मिला तो एक और वीडियो है जो मैं सोच रही हूँ गेट रेडी विद मी नवरात्रि डे वन शॉर्ट्स वीडियो बनाने की, तो अगर टाइम मिला तो मैं उसे आज ही शूट करके एडिट करके आज ही अपलोड कर दूँगी. सो दैट्स द प्लान ऑफ एक्शन, देखती हूँ अगर टाइम मिला तो ही, बट अगर नहीं मिला तो नहीं करूँगी. अगर एनर्जी भी नहीं आई तो फिर भी नहीं करूँगी, तो देखते हैं अभी वो होता है कि नहीं होता है. तो उसके बाद ये सब सामान समेटना है. पूरे कमरे की हालत ख़राब हो जाती है जब शूट करते हैं और उसके बाद शूट तो जैसे तैसे हो जाता है, उसके बाद जब सफाई में कमर टूट जाती है बहुत ही हालत ख़राब होती है. फाइनली आई फिनिश शूटिंग, अभी एनर्जी लेवल थोड़ा ठीक लग रहा है मेरा फास्ट है. एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग हंग्री बट आई एम मिसिंग माई कॉफी, लाइक आई एम क्रेविंग फॉर सम गुड कॉफी एंड आई जस्ट कांट हैव इट. अभी ये पूरा पैकअप करूंगी और यहाँ सफाई करूंगी, इतना ज्यादा गंदगी हो जाती है. आपको दिखाती हूँ, एक शूट डे पे इतनी ज्यादा गंदगी हो जाती है, पूरा बेड फैल गया है, यहाँ सब फैला हुआ है एंड ऑल ऑफ दिस. ये पूरा अभी सफाई करना है एंड आफ्टर दैट आई सॉर्ट आउट द फुटेजेस. आज का वीडियो एडिट करके अपलोड कर दूंगी एंड आफ्टर दैट आई नीड टू एडिट द लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो दैट आई नीड टू, यहाँ पे लाइटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है, सो आई नीड टू एडिट एंड अपलोड द लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो दैट नीड्स टू गो अप ऑन माई चैनल टुमारो. सो स्टे ट्यून फॉर दैट व्लॉग. आई थिंक वो यही वाला व्लॉग होगा नवरात्रि डे वन वाला व्लॉग, तो इसको ही मैं एडिट करना स्टार्ट करूंगी. और यस, अभी ये सफाई करती हूँ, कोई आज मेरी मदद करने. मेनी आवर्स लेटर, फाइनली समहाउ आई मैनेज टू गो थ्रू द एंटायर डे टुडे. इट वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट डे, नॉट बिकॉज आई वॉज फास्टिंग, क्योंकि मुझे फास्ट करने की आदत बहुत टाइम से, मैं ऑलमोस्ट बचपन से ही नवरात्रि के नौ फास्ट करते हुए आ रही हूँ. मुझे कोई भूख वूख तो नहीं लगती है, बट देन आई थिंक ड्यू टू द वेदर चेंज मुझे जनरली आई कैच कोल्ड वेरी वेरी ईजिली, और जब भी ये ट्रांजिशन होता है समर टू विंटर्स का तो मुझे फीवर आ ही जाता है. आई थिंक इट इज़ इन द वेदर समथिंग, क्योंकि मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, मेरे पापा की भी तबीयत ख़राब है, मेरी भी तबीयत ख़राब है, टच वुड बस भाई बचा हुआ है, तो हम लोगों की बिल्कुल हालत ख़राब है, फुल बॉडी पेन हो रहा है. सुबह उतना नहीं था, ग्रेजुअली दिन तक वो ज़्यादा हुआ और अभी तो बिल्कुल हालत टाइट है. तो मैं अभी पूजा करके आ गई हूँ, शाम की पूजा हो गई है
एंड अभी माई मॉम विल गिव मी द माई डिनर एंड आई हैव माई डिनर. तो हम लोग रात में जब व्रत खोलते हैं, कोई भी व्रत हो, तो जब हम व्रत खोलते हैं तो हम प्रॉपर खाना खाते हैं, लाइक विदाउट प्याज लहसुन हम प्रॉपर खाना खाते हैं, लाइक चावल, दाल, सब्जी, रोटी, रायता, व्हाटएवर, जो मतलब नॉर्मल खाना होता है. नॉट जैसे कुछ लोग खाते हैं ना, स्पेशल खाना होता है उनका, कुट्टू का आटा और सावा के चावल, मतलब वो अलग वाला खाना होता है. बेसिकली हम नॉर्मल खाना खा लेते हैं, बस प्याज लहसुन अवॉइड करते हैं. तो अभी मेरी मम्मी मेरा डिनर लेके आएगी तो मैं वो करूँगी. एंड अभी क्योंकि आज मंडे है एंड मंडे को यहाँ पे सब्जी मार्केट लगती है, तो मेरी मम्मी जाती है सब्जी लेने मंडे को. तो अभी उनको अकेले जाने की भी हिम्मत नहीं आ रही एंड उनकी भी बॉडी पेन हो रही है. सो आई थिंक आई विल अकम्पनी हर आफ्टर आई हैव माई डिनर. ओके, सो दैट इज़ वॉट आई एम गोना डू. बट I'll end this vlog right here itself because I'm very, 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 very tired at the moment and I am not in a condition to vlog further. Mujhe nahi pata if I'll be able to keep the fast for 9 days this time. I'll probably try my best to, but agar mein period start hoga to phir to possibly nahi hoga. So let's see what happens. But yeah, this was it for this vlog. I hope you like this vlog. Agar aapko pasand aaya to hit that like button and also subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell right next to it so that every time I upload a video you get notified. Now I will see you super super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.